हमारा नाइन्थ मीटिंग कम कॉन्फ्रेंस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेकुनेव नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन का मीटिंग है. उसमें कंप्राइज करता है हमारा एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम. तो आज पूरा स्टेट से आया हुआ है डेलीगेट्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ का एग्जीक्यूटिव मेंबर और नेकुनेव का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग आया है. तो इस बार हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन उसको होस्ट कर रहा है. यहाँ में आज कॉन्फ्रेंस होगा, न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नेकुनेव का सिलेक्शन होगा. देन अदर इश्यूज़ जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ का जो हम एज ए स्टेक होल्डर्स है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उसका हम हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हाउ वी ऑल कैन वर्क फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एज ए होल और एंटायर रीजन के लिए, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे. और कुछ कुछ इश्यूज़ है, हमारा इंटरनल ऑडिट होगा और न्यू एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन होगा, जैसे कि हमने अभी कहा, यह सब आज हमारा होगा. और वी हैव इनवाइटेड ऑनरेबल वाइस चांसलर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एज अ चीफ गेस्ट और हमारा डॉक्टर एंथेरी कम द रजिस्टर विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर. और आज हम एक न्यू एक एजेंडा यहाँ डाला है नेकुनेव का, दैट इज सिम्पोजियम. हमारा कीनोट स्पीकर आएगा, उसका थीम को लेके वी एज ए स्टेक होल्डर्स चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हमारा प्रोफेसर सरित कुमार चौधरी इज डीन वेलफेयर ऑफ सोशल साइंस एंड हेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वो कीनोट एड्रेस देगा आज. सर ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कितने नंबर्स का यूनिवर्सिटीज का एम्प्लॉयज जो है आज, मतलब यस आज हमारा डेलीगेट्स आया है, 27 डेलीगेट्स आया है जो अपना अपना यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉयज फोरम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करके आया है, एक्सेप्ट फॉर त्रिपुरा एंड सिक्किम ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज उन लोग नहीं आ पाए. बाकी सब मैंने रिप्रेजेंटेटिव आया है, आसाम से आया है हमारा, नागालैंड मिजोरम सब आया. एक ये फेडरेशन जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट का जो फेडरेशन है, इसमें हम हमारा एक कॉमन एजेंडा हम रखते हैं बिकॉज वेलफेयर ऑफ द हमारा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लिए. एनी इश्यूज़ रिगार्डिंग हमारा एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ या उनका सर्विस या करियर या बेनिफिशरी वेलफेयर, सब हम यहाँ में पुट अप करके एक यूनिशन एक यूनाइटेड फ्रंट लेके हम लोग इसको फाइट करते हैं. व्हेनेवर एनी इनजस्टिस इज बीइंग डन टू द एम्प्लॉयज़, और हम लोग सब अपना आपको एक इंटरेक्शन, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये हम एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है. तो और ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ में हम अपना कल्चर, अपना द स्टेट का कल्चर, अपना द यूनिवर्सिटी सिस्टम का बस, हाउ टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी, हाउ टू इम्प्रूव द वर्क कल्चर, वो सबको देख के हम लोग मोटिवेशन इंकरेजमेंट करने के लिए सब एक फोरम बनाया है. एंड दिस इज़ नथिंग बट इट्स ए यूनिफिकेशन एंड प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एक्सप्रेस आवर वननेस एंड टुगेदरनेस एंड स्टैंड एज यूनाइटेड. नेम इज डॉक्टर सी लोंगजोलत नेकुनेव चेयरमैन. नेकुनेव्स लॉन्ग फॉर्म इज नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन. Earlier we used to call the Nekunev, but we have changed something a little bit, non-teaching, we dropped the non-teaching, now administrative employees, Nekunev. It was established in the year 2006, 14 December. The purpose and aims and objective of the Nekunev is to bring together and form a common interest in the Northeast Central University. Not all Central University, only the Central University to unite us and common interest we have to fight together, whatever we need. Now this time is the ninth meeting of executive body meeting. It is always rotation-wise, sometimes Nagaland, sometimes Meghalaya, sometimes Gangtok, Mizoram. We used to circulating the host. During this time, Rajiv Gandhi University Employees Association hosting this ninth executive committee meeting.
We are very thankful for the hosting this kind of meeting. We are very thankful for their warm welcome from Rajiv Gandhi University. We are very happy for that. Today we'll have two sessions. One session is a felicitation of program, and the second session will be discussing some agenda of the common interest of the Central University in the Northeast. Thank you. Sir, any challenges you have been faced since it's been a 9th General Conference? Yeah, now we are focusing the what we are going to organize a bigger forum, federation. Now we are trying to establish a larger one, not Northeast, but also as a central university in all over India. Now we are the 46th central university in India. Now we are trying to unite us and form a committee, form a forum of the federation as soon as possible. Good afternoon, everyone. ये हम लोग का आज का ये जो आरजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो हम लोग जो 9 नेकोनेफ ये जो जीबी मीटिंग है और ये जो 9 कॉन्फ्रेंस को हम लोग आरजी में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मकसद वो है कि हम लोग का ये जो तीन दिन चलेगा आपका, ये 3 दिन चलेगा, 19 से लेकर 22nd तक चलेगा, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में हम लोग का पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग का एफिलेटेड ये जो नेकोनेफ में एफिलेटेड वाला वो जो है 9 है, लेकिन हम लोग दो डेलीगेट्स टीम जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग अभी 7 पार्टिसिपेंट हैं। तो हम लोग ये कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन चलेगा, 19 से 22nd तक, तो उसके बाद में उसमें हम लोग का एम्प्लॉय का बेनिफिट, जैसे कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन का ये जो मैटर है जो, तो इसको हम लोग जो कैसे नॉन टीचिंग का बेनिफिट का बारे में हम लोग इसको बात करेंगे, और उसका रिक्रूटमेंट रूल का बारे में कैसे हम लोग का नॉन टीचिंग को हम लोग का ऐसे में जॉब में हम लोग को दिक्कत आता है, मेरिट और डीमेरिट, तो कैसे हम लोग को काम करना है, ड्यूटी को कैसे करना है, एम एंड ऑब्जेक्टिव मानो वही है, अच्छा से हम लोग का आरजू में जैसे हम जॉब करते हैं तो अच्छा से हम डिलीवरेशन कैसे देना है उसका बारे में हम आपस में बात करते हैं उसमें ना। और उसके बाद में जो अगर जो हम लोग का जॉब का प्रमोशन में कैसे में कुछ चीज़ हम लोग का आरजू लेवल में ऐसे कि एक ही जगह में हम लोग बात नहीं कर सकते उसको ना, तब सब मिलजुल के हम लोग कोऑर्डिनेट करके 9 यूनिवर्सिटी जो हम कोऑर्डिनेट करके इशू का हम टेकअप करते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम लोग का मेन इशू जो वही है कि हम लोग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके हम लोग इशू को हम अच्छा सॉल्व करेंगे, अच्छा वे में साफ करें वो यूनिवर्सिटी को, ये मकसद का सामने हम लोग ये जो कॉन्फ्रेंस और ये सब जो कंडक्ट करते हैं। सेकेंड सेशन में हम लोग का मेन ये अभी मॉर्निंग सेशन का वाला हम लोग इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, तो सेकेंड सेशन हम लोग का उसमें मेन एजेंडा जो हम लोग वहीं रहेगा कॉन्फ्रेंस रहेगा उसमें। तो अब ये बार हम लोग इसमें नया एजुकेटिव मेंबर नेकोनेफ का सिलेक्शन होगा, तो उसका हम लोग का कि क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव कैसे काम करना है, अभी क्या क्या हुआ है इशू पर एजेंडा हम लोग का अभी उसका बात करेंगे, इसका मेन एजेंडा अभी हम लोग का अभी होगा ये सेशन का बात। सर जैसे बी सी सर ने आप लोग को स्पीच में बोला भी है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं हम लोग का नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उनके लिए भी आप लोग कुछ सुविधा आप लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाँ, मेरे बार वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए हम लोग का एजेंडा में है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बोल के कॉन्टीजेंसी स्टाफ वो भी हम लोग का एम्प्लॉय का पार्ट में है, वो भी हम लोग का एकदम पार्ट है, तो इसको इशू को भी हम लोग टेकअप करेंगे उसको। ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन का 9th जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। ये एक्चुअली फेडरेशन ऐसा हम लोग को बताया गया है, 9 एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आज इन लोग का एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग को शामिल होने का मौका मिला, अच्छा लगा। स्टेट से डेलीगेट्स आया, इन लोग के साथ इंटरेक्शंस हुआ। खास बात ये कि आपस में यूनिवर्सिटीज मिलके काम करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हम ये के लिए स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में 3 अंग होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर है और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज जो बोलते हैं, तो तीनों अंग मिलके
यूनिवर्सिटी को स्मूथली प्रॉपरली चलाने के लिए काम करना है, उसका ऊपर में यहाँ इन लोग डिस्कस कर रहे हैं और कैसा हम लोग तालमेल करके नोटिस में ये पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएं, सोसाइटी को समाज को हम लोग कैसा कंट्रीब्यूट करें, वो सब का बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। तो आज हम लोग शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और हम विश करते हैं ये एक्चुअली कॉन्फ्रेंस मीनिंगफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हमारी 9 यूनिवर्सिटीज़ जो कि 8 स्टेट में हैं, क्योंकि ये आसाम में 2 हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी और आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो 9 यूनिवर्सिटीज़ में 2 नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ चुनाव है त्रिपुरा में और सिक्किम में। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे जो पोर्टफोलियो होल्डर ऑफिसर्स हैं जब ये यहाँ आए हैं तो कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न अपनी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं ये मैं भी जानता हूँ, तो वो डिस्कस करेंगे और कैसे ईज़ ऑफ बिजनेस हो सके। जो मुझे लगता है कि यूनियन अक्सर तकलीफ़ में होती है क्योंकि वेजेस बहुत कम है। आप जान रहे हैं कि हम आजकल अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी हमारा आरआर तैयार नहीं है, अभी हमने उसको जमा किया है दिल्ली में, हमने रेस्टनाइजेशन नहीं किया है। यूनिवर्सिटी 35 साल पुरानी हो गई, 2007 में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, तो बहुत सारे प्रमोशन ड्यू हैं, ये मैं भी जानता हूँ, और ये अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, रेगुलराइजेशन हो सकता है, ये सब कुछ नहीं हुआ है। इसकी मुश्किलें ये हैं कि हम शायद यूनियन और सब जने मिल के ये डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। अगर हमारे ज्वाइन करने से पहले 2007 से ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, इसका आरआर बना लेते और इसको उसका रैशनलाइजेशन कर देते तो हम आते ही हम इनका अपॉइंटमेंट कर सकते थे। तो मुश्किल ये होती है कि हम सब मिलजुल के काम समझना नहीं चाहते, कुछ लोग इग्नोरेंस में रह जाते हैं और कुछ लोग जानबूझ के समझना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब यूनियन अभी सभी 8 स्टेट की यूनियन यहाँ मिल रही है तो वो डिस्कस करेंगे कि हमें अपने वर्क कल्चर में बदलाव लाना चाहिए। यहाँ पे वो हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर भी करेंगे, नए जो पोर्टफोलियो होल्डर हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के वो लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट को चार्ज देंगे, फिर जनरल सेक्रेटरी, वो सारे चार्जेस देंगे। साथ में हमारे आरजीयू से भी कुछ लोगों को पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सीनियरिटी से हो रहा है, बाई इलेक्शन नहीं है। और इसके बाद आप लोगों ने एक मन बनाया हुआ है कि एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें फेडरेशन जो है ऑल इंडिया बेसिस पे काम करेगा, अभी तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। तो ऐसा वो करेंगे तो इसमें हमारे लिए एक अच्छा विचार ये है कि यहाँ के लोग भी जो जिसे हम कहते हैं ना भारत के दूसरे क्षेत्रों में जा पाएंगे, वहाँ वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ कैसे सोचते हैं, वहाँ क्या काम होता है, ऑफिस कैसे चलता है, वो एक दूसरे से हम सीख पाएंगे। और ये होना चाहिए, ये अभी कोविड के बाद ये पहली फिजिकल मीटिंग है आप लोगों की, इन लोगों की, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा संदेश है कि अभी कोविड के हम वो जो बैड फीलिंग्स थी उससे हम बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा सोचना ये है कि बड़ा मीनिंगफुल आउटपुट निकलेगा और जो हमसे बन पड़ेगा आरजीयू के हिस्से में वो मैं अवश्य करूँगा, आई विल बी एबल टू डू इट, एंड मुझे करने का मन है कि अच्छा हो सके नियम को ना तोड़ते हुए।